इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान सब्सक्राइबर बंधु, प्यारे भक्तगण एवं सभी श्रोतागण, आप सभी लोगों का एक बार इस अध्यात्म गुरु चैनल पर फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे भक्तगणों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं इस चैनल को। प्यारे भक्तगणों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हिरण्यकश्यप का भगवान श्री राम से क्यों दुश्मनी था, उसके नाम से उसने हरदोई जिले में क्यों राग के नाम का उन्होंने रोक लगा दिया था। आज हम उससे आगे कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि उस कथा को मैंने सुनाया था। अब आज की कथा है कि भगवान श्री राम की माता कैकेयी, जिनके बारे में आप जानते होंगे, जिन्होंने वनवास दिलाया था, उनका पूर्व जन्म में क्या अवतार था, यानी कौन थी, और फिर पूर्व जन्म के बाद कैकेयी के रूप में कैसे उनका जन्म हुआ, इसके बारे में आज हम आपसे सचित्र बात करेंगे। प्यारे भक्तगणों, कथा को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन करता हूं कि अगर आप इस कथा को पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां पर दबाकर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान पर दबाकर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ तो वह आपके समक्ष में आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई दे। चलिए अब कथा की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम आपका ज़्यादा समय नष्ट नहीं। करेंगे। प्यारे भक्त गणों, यह कथा उस समय शुरू होती है जब महाराज दशरथ जीवित थे और भगवान श्री राम का विवाह हो चुका था, और उस समय एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था मुदगल ऋषि। मुदगल ऋषि भविष्यवक्ता थे, जो भविष्य के बारे में सारी जानकारी रखते थे। मुदगल ऋषि के आश्रम में महाराज दशरथ और आर्य सुमंत ये दोनों साथ में गए थे। मुदगल ऋषि से इन्होंने पूछा कि हे महाऋषि, अब मुझे यह बताने की कृपा करें कि मेरे पुत्रों का भविष्य क्या रहेगा, क्या मेरे इस अयोध्या में आगे कोई भी भविष्य मतलब चलाएगा, या फिर राम के बाद ही अयोध्या का विनाश हो जाएगा। तो मुदगल ऋषि ने सारी कथा को कह सुनाया। उन्होंने कहा कि हे राजन, एक समय ऐसा आएगा जब आपके पुत्रों को वनवास हो जाएगा, और उसमें से जो आपका बड़ा पुत्र भगवान विष्णु का अवतार है, और जो सीता के रूप में जिससे आपने अपने पुत्र का विवाह किया है, वह माता लक्ष्मी की अवतार हैं, और जो भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये तीनों इनके शंख, चक्र, गदा और स्वयं शेष नाग जी हैं, जो आपके इस वंश में उन्होंने जन्म लिया है। अब प्यारे भक्तों, कथा को शुरू करते हैं आगे की तरफ। उन्होंने बताया कि रावण को मारकर लंका से सीता को लेकर आते हैं भगवान श्री राम, और इसके बाद उनके दो पुत्र होंगे जिनका नाम लव और कुश होगा। हे राजन, इस वृतांत को आप किसी और से मत कहना, यह मैंने आपको भविष्य के बारे में बताया है। आपको इस सब चीज देखने के लिए आप जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जिस श्राप की वजह से आपको मृत्यु का दंड मिला है, वो श्राप आपके पास फलीभूत होगा। सब कुछ जानते हुए भी दशरथ जी ने भगवान श्री राम को वनवास दिया था। प्यारे भक्तगण, अब शुरू होती है कथा कैकेयी माता के बारे में। अब उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ऐसा कथा सुनाता हूं जो आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। कहा कि सुनिए, उन्होंने कहा कि समस्त भविष्य की बात चरित्र करते हुए राजा दशरथ से कह सुनाया, और राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर पूछा, मुनि से पूछा कि हे महामुनि, आप मुझे यह बतलाएं कि जिससे साक्षात हरि मेरे पुत्र और साक्षात लक्ष्मी ही सीता होकर मेरी पुत्रवधी हुई हो। हे ब्राह्मण, यह सब मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। मुनि बोले, हे राजन, सह्याद्र पर करवीपुर नामक ग्राम में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण, धर्मज्ञ ब्राह्मण निवास करता था, जो सर्वथा ही प्रसिद्ध था। वह विष्णुव्रती सर्वदा विष्णु की ही पूजा में तत्पर रहता था। वह सर्वदा ओम नमो भगवते वासुदेव वाय इस नाम का, उस मंत्र का जाप किया करता था। एक समय जब कार्तिक मास में वह रात्रि जागरण कर रात्रि के चौथे पहर में पूजा की सामग्री ले हरि मंदिर को जा रहा था, कि उसे मार्ग में घुघुराती हुई एक राक्षसी दिखाई पड़ी।
जो अपने भयानक रक्त लोचनों से देखती हुई उसकी ओर आ रही थी। उसके टेढ़े मेढ़े दांत थे, वह अपनी जीवा को हिला हिला कर और उसके शरीर का सब मांस सूख चुका था। वह दीर्घकाया तथा सर्वथा ही नग्न थी, यानी नंगी थी। तब उसे देखते ही वह ब्राह्मण भय से कांप उठे और पूजा की सामग्री तथा जल आदि उसके हाथ से गिर पड़ा और वह उसे मारने लगा और नारायण का नाम ले उस पर तुलसी तथा जल फेंकने लगा। उसके इस कर्म से अनायास ही राक्षसी के सब पाप धुल गए और उसे पूर्व जन्म के कार्यों का विपाक रूप अर्थात परिणाम स्वरूप जाति आयु भोग आदि सभी दशा का स्मरण हो गया। तब वह ब्राह्मण दंडवत कर कहने लगी ब्राह्मण से वह दंडवत कर कहने लगी कि उसका नाम कलहा था। उसका नाम उसके पूर्व जन्म में कलहा था और कलहा बोली, हे ब्राह्मण, मैं अपने नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण था। उसने कहा कि सौराष्ट्र नामक नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण था। मैं उसकी कलहा नाम की एक स्त्री थी जो बड़ी ही निष्ठुर थी। मैं सर्वदा अपने पति को कड़वे वचन सुनाया करती थी और कभी भी भलाई नहीं करती थी। जब कभी रसोई में मिष्ठान बनाती तो पति से झूठा बहाना कर उसकी बात को अन्यथा कर वह पाक से उसे पहले मैं खुद पकाकर चख लिया करती थी, फिर भोजन में जो भी व्यंजन बनाती उसमें पहले मैं खा लेती थी, फिर पति को देती थी। इससे पति बहुत दुखी मेरा पति अपने मित्रों से जाकर कहता था कि मेरी स्त्री मेरी बात को नहीं मानती है, अतः कहो मैं क्या करूं। तब उसके एक मित्र ने अपने मन में विचार कर जो उससे कहा वह मैं तुमसे कहती हूं। उसने कहा कि हे मित्र, तुम अपनी स्त्री से विपरीत बातें किया करो। जब वो कहे कि मैं यह काम नहीं करूंगी, तुम उस काम को विपरीत भाषा में कहो कि तुम यह काम कर लो, तो उस काम को वह कर लिया करेगी और इससे वह तुम्हारे वर्जित कार्य को अवश्य ही किया करेगी और तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण होगा। तब मित्र की बात को सुनकर मेरा पति बहुत अच्छा कहकर अपने घर वापस आया और मुझसे बोला कि हे प्रिये, मेरा मित्र बड़ा दुष्ट है, घर आने पर तुम कभी उसे भोजन मत दिया करो। तब पति के इस वाक्य को सुनकर मैंने उससे कहा, तुम्हारा मित्र तो सब ब्राह्मणों में उत्तम ब्राह्मण है तथा बड़ा सज्जन है, उसको तो मैं आज ही भोजन के लिए आमंत्रित करूंगी। पतिदेव से ऐसा कहकर मैं स्वयं जाकर अपने पति के मित्र को बुला लाई। तब से मेरा पति अपने विपरीत कथन से मुझसे कार्य साधन करने लगा। इसके पश्चात एक दिन अपने पिता की मृत्यु तिथि को देखकर मेरा पति मुझसे कहने लगा कि हे दायते, यद्यपि आज मेरे पिता की तिथि है तथापि मैं पिता का श्राद्ध नहीं करूंगा। यह सुनकर मैं सर्वदा उसके प्रतिकूल ही किया करती थी। मैंने शीघ्र ही कई ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे दिया और पति से कह दिया कि तुम को धिक्कार है जो तुम अपने पिता का श्राद्ध नहीं करते हो। पुत्र का क्या धर्म है, तुम इस बात को नहीं जानते हो, इसलिए न जाने तुम्हारी क्या गति होगी। तब उससे ऐसा कहा, यदि करना ही है तो एक ब्राह्मण को ही निमंत्रण देना। ऐसा उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा। और अधिक बखेड़ा मत बढ़ाना और पकवान तथा मिष्ठान आदि का व्यय नहीं करना, यानी नुकसान नहीं करना। यह सुनकर मैंने एक साथ ही 18 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया और श्राद्ध के लिए भी कई प्रकार के पकवान बना डाला। फिर मेरे उस पति ने मुझसे कहा कि आज तुम प्रथम मेरे साथ मिष्ठान भोजन करना, इसके पश्चात अपना झूठा भोजन ही ब्राह्मणों को परोसना। तब यह सुनकर मैंने अपने पति को धिक्कार कहकर उससे बड़ी धिक्कार दी और कहा, तुमको धिक्कार है जो प्रथम स्वयं ही भोजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराने को कहते हो। हे ब्राह्मण, इस प्रकार के अपने विपरीत वाक्यों द्वारा पति ने सविधि मुझसे श्राद्ध करवाया और पिंडदान आदि करके फिर मुझसे बोला कि आज तो मैं नहीं खाऊंगा और एकमात्र उपवास ही करूंगा। तब उसकी इस बात को सुनकर मैंने उसे भरपेट मिष्ठान भोजन करवाया। तब पति ने भूलकर मुझसे यह कह दिया
कि इन पिंडों को ले जाकर सप्रेम तुम सुंदर तीर्थ के जल में फेंकाओ, यानी उसमें विसर्जित कर दो। मैं उन पिंडों को ले जाकर शौचालय में विसर्जित कराई, जिससे वह विप्र व्याकुल हो गया और हाय हाय करने लगा। फिर क्षण भर में मुझसे बोला कि देख, इस शौच कूप में उतर कर उन पिंडों को अब बाहर न निकाल देना। तब मैंने उस शौच कूप में उतर कर उन पिंडों को बाहर निकाल दिया। और जब पति ने कहा कि देखो इन्हें कहीं तीर्थ में न डाल देना, तब मैंने ले जाकर पिंडों को सादर एक तीर्थ के जल में विसर्जित कर दिया। इस प्रकार मुझ कलहा ने कभी भी पति का आदर नहीं किया। तब मेरे पति ने दुखित होकर दूसरा ब्याह करने का निश्चय कर लिया। इससे मैंने वही घर में जहर खा लिया और अपना प्राण त्याग दिया। यम के दूत बांध कर यमराज के पास ले गए। तब यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि तुम इसके कर्म कैसे हैं, इसके बारे में मुझे सचित्र जानकारी दीजिए। जैसा शुभ अशुभ इसने किया हो, इसको वैसे ही फल दिया जाएगा। तब चित्रगुप्त मुझे धमकाता हुआ कहने लगा कि इसने तो कभी भी शुभ कर्म किया ही नहीं है। यह मीठे भोजन बनाकर स्वयं खा लेती थी और अपने पति को कभी नहीं देती थी। इसलिए बल्गयोनी में स्वयं का विष्ठा खाने वाली उत्पन्न हुए। उन्होंने कहा कि ये बल्गयोनी में इसको डाल दिया जाए, ये विष्ठा खाएगी। और इसके बाद यह अपने पति से सर्वदा विवाद करती रही, अतः इसे पति से द्वेष करने के कारण यह विष्ठा खाने वाली सूकर सुअर हो जाए, यानी सुअरी योनि में चली जाए, जो सुअर के रूप में होती है सूकरी बन जाए। और हे यम, इधर छिप कर भोजन बनाने के पात्र में अकेले ही खाने वाली बिल्ली बने। उन्होंने कहा सुअर के बाद जब मरे तो बिल्ली के रूप में जन्म ले, और पति के उद्देश्य से इसने आत्मघात किया है, अतः यह अति निंदन प्रेत योनि को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा इसके बाद यह प्रेत योनि को प्राप्त हो जावे। कलहा बोली, हे ब्राह्मण, तदंतर यम के दूत क्षण भर में मुझसे मरुद देश में ले जाकर वही छोड़ दिया, और वहाँ मुझे पहली योनि जो मिली वो प्रेत योनि में डाला गया। फिर यम के दूत अपने स्थान को चले गए। मैं 15 वर्ष तक प्रेत योनि में रही। सुकृत कर्मों के अनुसार भूख प्यास से अत्यंत दुखी होने लगी। तब नित्य भूख से मुझे अत्यंत ही कष्ट प्राप्त होने लगा। फिर वाणिक देह को प्राप्त कर दक्षिण में कृष्ण मावेड़ी के संगम पर आई। वहाँ मेरी भेंट शिव एवं विष्णु के गणों से हो गई। उन्होंने मुझे वाणिक के शरीर से पृथक पृथक कर दिया, यानी मुझे नष्ट कर दिया, मुझे काट डाला। तदंतर हे ब्राह्मण, मैं क्षुधा से मृतक होती जा रही थी एवं भ्रमण करती हुई यहाँ आकर तुम्हारा दर्शन किया है। अब यहाँ तुम्हारे हाथ का जल तुलसी को पाकर मेरे पाप नष्ट हो गए हैं। एतियाओ हे विपेंद्र, अब आप मुझ पर ऐसी कुछ कृपा करें जिससे मैं भावी 3 योनियों से मुक्त हो जाऊं। तब ब्राह्मण ने कहा, उन्होंने कहा, जब वो फिर कह रही है कि हे मुनिसत्तम, मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मेरा प्रेत योनि से उद्धार कीजिए। तब कलहा के इस वृतांत को सुनकर ब्राह्मण अपने पाप कर्मों से भयभीत, विस्मित और दुखी होकर इसकी इस ग्लानिपूर्ण दशा को देखकर कृपायुक्त मन से कुछ देर तक ध्यान अवस्थित होकर विचार करता रहा। फिर उससे यह सुंदर वाक्य बोला। धर्मदत्त बोला कि तीर्थाटन, दान और व्रत से पाप की निवृत्ति होती है, परंतु तेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि तू प्रेत योनि में स्थित है। तेरी इस दुर्दशा को देखकर मेरा मन अत्यंत ही दुखित हो रहा है। जब तक इस दुख से तेरी निवृत्ति नहीं होगी, तब तक मुझे शांति न प्राप्त होगी। तेरा यह नीच प्रेतत्व और 3 योनियों को भोगने वाला भयंकर पाप साधारण पुण्यों से छीण नहीं होगा। अतः यह जो मैंने सर्वदा कार्तिक का व्रत करके पुण्य अर्जित किया है, अब उसका आधा भाग तुझे देता हूँ। इससे तू सदगति को प्राप्त होगी, क्योंकि कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान यज्ञ, दान और तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। यह सर्वथा ही निश्चित है। फिर मुदगल ऋषि भगवान राजा दशरथ से बोले कि
कि यह कहकर धर्मदत्त ने ज्यों ही उसके ऊपर तुलसी तथा जल के छिड़क कर द्वादश अक्षर मंत्र बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो गई और उसके शरीर में स्वतः अग्नि लग गई और वह उसी से अग्नि शिखा से दिव्य रूप धारण करके उर्वशी के समान सुंदर शरीर को प्राप्त हुई। फिर तो वह दंडवत कर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हर्षित हो गई। यह गदगद वाक्य बोली कि हे द्विजोत्तम, आपने मुझे नरक से बचाया है। मैं पाप सागर में डूब रही थी, आपने वास्तविक नौका का कार्य किया है। हे मुद्गल, मुद्गल ऋषि बोलते हैं कि उसके ऐसा कहते ही उसने देखा कि आकाश के मार्ग से विष्णु का रूप धारण किए हुए गण एक सुंदर विमान लेकर वहां उतर रहे हैं और फिर तो विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील ने उतरकर उसे उस सुंदर विमान में बिठा लिया। उसमें जो दो गण थे उनका नाम था पुण्यशील और सुशील। अप्सराएं उसकी सेवा करने लगीं। विमान को देखकर धर्मदत्त भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और पुण्य रूपी पुण्यशील और सुशील को देखकर वह उन्हें प्रणाम करने लगे। तब उन तीनों ने उस नम्र ब्राह्मण को देखकर उसका अभिनंदन करते हुए कहा कि हे धर्मवाक्य, उन्होंने कहा, एक धर्मवाक्य बोला, उन दोनों गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अवश्य ही तुम धन्यवाद के पात्र हो क्योंकि तुम ही दीनों पर दया करते हो। तुम धर्म हो और विष्णु व्रत परायण हो। तुम अपने बाल्यकाल से ही जो कार्तिक मास का व्रत करते रहे, आज उसी पुण्य का आधा भाग दान किए हो, इससे तुम्हारा पुण्य और भी दुगना हो गया। तुम्हारे आधे पुण्य प्रताप से इसके पूर्व जन्म में सैकड़ों कर्मों का जो भी पाप था सब नाश हो गया है। तुमने जो तुलसी युक्त जल से स्नान कराया है उससे इसके पूर्व कृत पाप भी विलीन हो गए हैं और विष्णु जागरण के पुण्य से इसके लिए यह विमान आया है। हे साधो, तुमने जो दीप दान किया है इसके पुण्य प्रभाव से तेजस्वी रूप धारण किया। हम इसको अनेक प्रकार के सुख भोगने के हेतु बैकुंठ को ले जा रहे हैं। हे कृपा निधान, हे कृपा निधे, तुम्हारी तुलसी पूजा तथा कार्तिक व्रत के पुण्य से यह विष्णु भगवान की समीपता को प्राप्त हुई है। तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्री सहित, जो तुम्हारी वास्तविक स्त्री है, उसके सहित तुम बैकुंठ धाम में जाकर विष्णु की समीपता तथा सार्य रूपता को प्राप्त होंगे। हे धर्मदत्त, वे धन्य बड़े परमात्मा हैं, वो धर्मात्मा और सफल जन्म वाले हैं जिन्होंने तुम्हारे समान श्री विष्णु जी की आराधना की है। जो मनुष्य सब भक्ति दृढ़ता से श्री विष्णु जी की पूजन करते हैं वे धन्य हैं तथा उन्हीं का जन्म सफल है। विष्णु जी मनुष्य को क्या नहीं देते हैं। पूर्व समय में जब राजा उत्तानपाद ने ध्रुव पुत्र ध्रुव को विष्णु जी के ध्रुव यानी विष्णु जी ने ध्रुव पद पर स्थापित कर दिया तो उसके नाम स्मरण से ही मनुष्य सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। जब मगरमच्छ ने गजेंद्र को पकड़ा था तो उसके नाम को स्मरण करते ही वह मुक्त हो गया और सानिध्य होकर वह श्री भगवान विष्णु को प्राप्त हो गया। पुनः वह जय नामक एक द्वारपाल बन गया और ग्रह भी विष्णु का चिंतन कर विजय का नामक एक द्वारपाल बन गया। तुमने भी विष्णु का अर्चन पूजन किया है, अतः तुम दोनों भी स्त्रियों सहित कई सहस्त्र वर्ष तक उनके सामीप्य को ग्रहण करोगे। फिर पुण्य के क्षय होने पर जब तुम पृथ्वी पर जम लोगे तब सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा होगे और तुम्हारी दोनों स्त्रियां तुम्हारे साथ होंगी और तुम श्रीमान दशरथ नाम के राजा होंगे और उस समय कलहा जो तुम्हारे आधे पुण्य की भागनी है निश्चय ही तुम्हारी कैकेयी नाम की स्त्री होगी। परंतु वहां पर भगवान तुम्हारे सन्निकट ही रहेंगे, वहां देवताओं के कार्यार्थ भगवान स्वयं तुम्हारा पुत्र बनेंगे और राम नाम धारण करके वो तुम्हारे ही घर में जन्म लेंगे, जो रावण जैसे महान राक्षस का वध करेंगे और अयोध्या में राज करेंगे। जन्म से लेकर तुमने जो यह विष्णु का प्रसन्नता कारक व्रत किया है
इससे बढ़कर कोई यज्ञ दान तीर्थ आदि नहीं है। इस कारण तुम भविष्य में धर्मज्ञ नित्य विष्णु के प्रति स्थित मत्सर्य एवं दंभ आदि से रहित समदर्शी बनो। हे धर्मदत्त, तुम प्रतिवर्ष कार्तिक बैसाख चैत्र तथा माघ इन चारों महीनों में प्रातःकाल स्नान कर एकादशी व्रत और तुलसी का पूजन कर ब्राह्मण गौ तथा विष्णु भक्तों की सेवा में तत्पर रहा करो। मसूर सोबीर तथा बैगन आदि का भक्षण करना त्याग दो, क्योंकि ऐसा करने से धर्मदत्त तुम श्री विष्णु जी के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। हे विप्रवर, तुम धन्य हो कि तुमने जगत गुरु विष्णु को संतुष्ट कर यह व्रत किया है। तुम्हारे द्वारा किए हुए व्रत से अमोघ पुण्य प्रभाव से हम लोग भी मुरारी भगवान विष्णु की सालोक्यता को प्राप्त हुए हैं। इस तरह से मुद्गल ऋषि ने राजा दशरथ के पूर्व जन्म और स्वयं कैकेयी माता के पूर्व जन्म की सारी घटनाओं को बताकर उन्हें समझा दिया। प्यारे भक्तगणों, यह कथा जो है आनंद रामायण में लिखी मिलती है और पद्म पुराण में भी यह कथा मिलती है जो मैंने आपको सुनाया। इसका पीडीएफ जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर दे दूँगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड करके और आराम से आप इसको पढ़ भी सकते हैं जो मैंने सुनाया है। प्यारे भक्तगणों, अब इस कथा को समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं को मैं अपने इस चैनल पर सुनाता हूं। और प्यारे भक्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम जान पाते हैं कथा आपको अच्छी लगी है और आप नई कथा को सुनना इच्छुक हैं, इसलिए वीडियो को लाइक भी करना बिल्कुल मत भूलें। अब इस कथा को समाप्त करते हैं और आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि आज भी राम भक्त इस धरती पर जीवित हैं। अब लेते हैं विदा। जय श्री राम।